वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास एट था, चैप्टर नंबर हम सिक्स ले रहे हैं। चैप्टर देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर सिक्स है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इस चैप्टर में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, कुछ जो है कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। स्क्वायर, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर ले लीजिए, जैसे कि सपोज करिए टू का स्क्वायर कर दिए। मतलब कहने का मकसद क्या है, टू मल्टीप्लाई टू कितना हो गया, फोर। टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर। अगर ऐसी किसी का ले लीजिए आप, थ्री का स्क्वायर ले लीजिए, थ्री मल्टीप्लाई थ्री कितना हो गया, नाइन। मतलब जब स्क्वायर आता है तो इसका मतलब उस नंबर की अपने ही नंबर में मल्टीप्लाई होती है, मतलब क्या है वो सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती है आपस में। ठीक है, टू है तो टू टाइम्स। ठीक, तो आप इसी तरीके से आप देखते हैं फोर का, तो फोर मल्टीप्लाई फोर क्या हो गया, सिक्सटीन। ये क्या हो गया, स्क्वायर। फोर का स्क्वायर कितना हो गया, सिक्सटीन। क्लियर, तो ये क्या था, स्क्वायर्स थे। अब कुछ देखेंगे हम, सपोज करो आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसा आते हैं कि बताइए कि क्या इसका जो इस स्क्वायर का जो नंबर है, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा आपसे पूछा जा सकता है। सपोज करिए आपसे पूछा गया इसका यूनिट, कोई नंबर दे दिया 272। इससे पूछा गया कि आपको इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा स्क्वायर करने पे, तो 272 को हम 272 लिखेंगे, फिर उसमें 200 सपोज करो इसका स्क्वायर निकालना है हमें 272, फिर मल्टीप्लाई 272 करेंगे, फिर आंसर जो आएगा फिर उसका यूनिट डिजिट देखेंगे, तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाए। इसमें क्या शॉर्ट क्या है, जैसे 272 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या देखेंगे उसका क्या है, उसका यूनिट डिजिट देखेंगे हम। इसका क्या है, यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लस देखेंगे हम, इसका स्क्वायर नहीं कर रहे हम, खाली क्या करेंगे इसका जो वंस प्लेस है मतलब यूनिट जो प्लेस पर जो नंबर है, जो डिजिट है उसका स्क्वायर कर लेंगे। जैसे टू है तो टू का स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा, टू टू जा फोर। तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करके 272 की 272 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा क्या होगा, 4 होगा। तो हम डायरेक्ट इस तरीके से बता सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर पूछा जाए कि इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम उसी नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको सपोज करो कुछ नंबर दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है, सपोज को नंबर दे दिया 10,000, 1,057 या 23,453। आपसे पूछा गया कि अभी इनमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको किसी भी नंबर को बताने से पहले कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम कुछ आपको बताते हैं जो जिस ट्रिक से आपको पता चल जाएगा। जैसे वन का स्क्वायर आप ये देख लीजिए, वन का स्क्वायर क्या होगा, वन ही होगा। ठीक है, वन मल्टीप्लाई वन कितना हो जाएगा, वन हो गया। ठीक है, टू का स्क्वायर कितना होगा, टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू फोर। थ्री का स्क्वायर कितना होगा, थ्री मल्टीप्लाई थ्री कितना हो गया, नाइन। फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन। फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टू 25। तो देखें फाइव का स्क्वायर फाइव मल्टीप्लाई फाइव 25। अब देखेंगे आप सिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स इज इक्वल टू 36। और क्या है, सेवन का स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन मल्टीप्लाई सेवन इज इक्वल टू 49। एट का स्क्वायर आप देखेंगे, एट मल्टीप्लाई एट इज इक्वल टू 64। और क्या है, नाइन स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई नाइन इज इक्वल टू 81। फिर क्या है, टेन स्क्वायर क्या होगा, टेन मल्टीप्लाई टेन इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब आप देखें इन्हीं जितने भी स्क्वायर्स हैं इन सब का क्या है, यूनिट डिजिट ले लीजिए। देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, इस स्क्वायर का वन है। ठीक है, इसका क्या है, फोर है। इसका क्या है, नाइन है। ठीक है, इसका क्या है, सिक्स है। तो हमने इनका जितने भी स्क्वायर्स हैं उन सबका हमने क्या है, यूनिट डिजिट ले लिया, मतलब वंस प्लेस पर। इसका क्या है, फाइव है। और क्या है, यहाँ पर क्या है, सिक्स है। अब सिक्स यहाँ पर ले लिया क्योंकि यहाँ दो बार आ रहा है, तो एक ही बार लेने की ज़रूरत है,
फिर ऐसी क्या है, यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। और यहाँ पर जो है 4 रिपीट हो गया है तो एक ही बार लेंगे, ठीक है। और क्या 6 भी रिपीट हो गया है और 9 भी रिपीट हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 1, 4, 9, 6, 5, ठीक है, 1 भी रिपीट हो रहा है, 0। तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये डिजिट होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 1, 4, 9, 6, 5, 0 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाँ, जीरो वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा, जीरो जो होगा इवन नंबर में, जो जीरो होंगे वो ऑड नंबर में नहीं होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए। जैसे कि ये 2 जीरो हों या 4 जीरो हों, या क्या कहते हैं 4 जीरो हों, या कितने हों 6 जीरो हों। अगर इस तरीके से इवन नंबर में जो जीरो होंगे, मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10, अगर जीरो इस तरीके से होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ऑड नंबर में होंगे, जैसे 3 हो गए, 5 हो गए, 7 जीरो हो गए, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जीरो वाली कंडीशन में सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जीरो जो होगा, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे इवन नंबर में होने चाहिए, अगर ऑड नंबर में होंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप सपोज करो, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई नंबर है, जैसे कि आप 1, 2, 3, 0, 0, 0, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो जितने जीरो हैं ये क्या है, 3 डिजिट में है, मतलब ओड नंबर में, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज, देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन 1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। हमने अभी बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि किसी भी नंबर का क्या है, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब जैसे कि वो 81 है, तो हम क्या देखेंगे, 81 का जो 1 है, इस 1 का क्या है, हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, स्क्वायर का 1 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, 1 होगा, ठीक है, क्या होगा, 1। इसी तरीके से अब इस नंबर का देखेंगे, इसका क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा, 4। अब नेक्स्ट देखेंगे 799 है, तो इसका हम 9 का स्क्वायर करके देखेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया, 81, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब ऐसी क्या है, 3853 है, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 9। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। कहने मगर अगर हम इस नंबर को 81 से 81 की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा तब उसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट मेथड क्या है, इस नंबर का हम यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करके देख लेते हैं, फिर उस स्क्वायर का यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो वो जो स्क्वायर का, जो यूनिट डिजिट के स्क्वायर का यूनिट होगा, वही पूरे होल नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। अभी हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हाँ भाई कैसे होता है ये, जो आपने देखें इस नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, हो 81 का स्क्वायर करेंगे, 81 मल्टीप्लाई 81, जो भी नंबर आएगा, जो भी स्क्वायर आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। कैसे पता लगाया हमने इसके, इस नंबर को 81 से 81 मल्टीप्लाई करना, सिर्फ यूनिट डिजिट का हमने स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिला, उसका यूनिट डिजिट जो है 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। जो इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर का डिजिट होगा, यूनिट डिजिट, वही होल का स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। बाकी और देखते हैं, देखेंगे 1234 है, तो इसका 4 का करेंगे, 4 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 कितना गया, 16। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। जो इसका, इसके यूनिट डिजिट के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा, वो इस होल नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। इसके 7 का करेंगे हम, 7 स्क्वायर
सेवन मल्टीप्लाई सेवन इज इक्वल टू 49, तो इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो इसके होल इस नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा, 7, ठीक है। ऐसी ये है 8 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया, 64, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। तो यूनिट डिजिट कितना है इसका, 4, क्लियर। अब ये क्या है, 0 है, 0, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 करेंगे क्या आएगा, 0, है ना। ऐसे हमें करने की ज़रूरत नहीं, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 0 ही होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ऐसे हमने कर दिया स्क्वायर का, 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नाइन्थ पार्ट, 6 है इसका यूनिट, इस होल नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे हम, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36, और 36 का यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इस होल नंबर का, इस पूरे नंबर के स्क्वायर का, जो भी स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। अब 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। बात समझ, इस क्वेश्चन में समझ में आ गया, इसमें पूछा गया था इन नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमने इन नंबर्स का, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है तो हमने इनका स्क्वायर नहीं निकाला, सिर्फ क्या करा हमने, केवल इनके यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर कर दिया, और उसका जो यूनिट डिजिट था वो होल नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। आपको ये नंबर्स में से बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सिंपली आपको हमने अभी इंट्रोडक्शन में समझाया था, बताते हैं, हमने बताया था ये स्क्वायर या डिजिट, जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे ये नंबर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, क्या होंगे, परफेक्ट होगा। हाँ, जीरो वाली कंडीशन के अंदर ये था कि जीरो जो है इवन नंबर में होना चाहिए, 2, 4, 6 की फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्लियर। तो जिस नंबर के यूनिट डिजिट ये होगा वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, इनमें बताने कि कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए था, हम वो नंबर लिख लेते हैं, 1, 4, 5, 6 9 और 0, अगर ये नंबर यूनिट डिजिट पर होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। बस 0 वाली कंडीशन में क्या है कि वो इवन नंबर में होने चाहिए, ऑड नंबर में नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट नंबर देखेंगे 1057, तो इसका यूनिट डिजिट जो है 7 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कि उसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है ये। अब देखेंगे ये यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 8 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा इसका, नो, क्या लिखेंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 2 है, क्या है, 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे, नो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पर क्या है, फिफ्थ पार्ट क्या है, 64,000 लिखा है, और यहाँ जो है यूनिट डिजिट पे 0 है, मगर इसकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3 है, तो ये भी क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। फिर क्या है यहाँ पर, 2, सेकंड में देखेंगे,
ये जो है सेवन सिक्स पार्ट, यह भी क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी नंबर होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। क्लियर, नॉट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यह क्या है, कितने नंबर है यहाँ पर, 3 0 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर क्या, कितने जीरो है देखेंगे, यहाँ पर एक ही जीरो है। हमने कहा था किस में होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए, मतलब इवन नंबर में होना चाहिए जीरो, तो ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन नंबर टू का कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। आपको ये जो नंबर दिए गए हैं, जो निम्नलिखित नंबर दिए गए हैं, इनमें बताना इनका स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनका स्क्वायर जो ऑड नंबर है, या तो हमें इनके स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ये 431 का मल्टीप्लाई करेंगे 431 से, तब हमें पता चलेगा कि इसका जो स्क्वायर आ रहा है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, तो हम इसमें एक ट्रिक मेथड यूज़ करते हैं, जो शॉर्ट मेथड है। क्या करते हैं, इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका जैसे कि 431 का जो यूनिट डिजिट है, हम इसका स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करते हैं और वो उसका यूनिट डिजिट जो है ऑड या इवन आता है, तो वो इसका स्क्वायर भी अगर इसका यूनिट डिजिट जो है ऑड आता है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा, अगर इसका यूनिट डिजिट इवन आता है तो इसका स्क्वायर इवन होगा। तो हम देखते हैं तो क्या आएगा, 1 1 जा 1, तो इसका मतलब जो इसका यूनिट डिजिट जो है क्या है, 1 आया, तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा, स्क्वायर वुड बी ऑड, स्क्वायर वुड बी ऑड, ऑड नंबर। यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं ऑड नंबर। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके अंदर 2826 है, तो इसका यूनिट डिजिट लेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36। तो इसका जो इसके यूनिट डिजिट के स्क्वायर का यूनिट जो आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब इवन नंबर आ रहा है, तो ये नॉट नॉट ऑड नंबर, तो इसका जो स्क्वायर आएगा नॉट ऑड नंबर, नॉट ऑड नंबर, ना स्क्वायर जो होगा ऑड नंबर नहीं होगा। फिर देखते हैं थर्ड, 7779, इसका यूनिट 9 स्क्वायर 9 कितना होगा, 81। तो इसका यूनिट डिजिट 1 है, मतलब ओड है, तो मतलब ये ओड नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले देखते हैं फोर्थ, 82004, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम, 4 × 4 कितना होगा, 16, और 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, नॉट ऑड नंबर, नॉट ऑड नंबर। बात समझ में आई, क्या कहा, इसने क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इनके स्क्वायर ओड नंबर है या इवन नंबर है, तो हमने कैसे पता लगाया, इस नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट डिजिट देखा, उसका यूनिट डिजिट देखा स्क्वायर का, कि अगर वो ओड है तो इसका स्क्वायर भी ओड नंबर होगा, अगर वो इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा। तो यहाँ पर पहले का क्या था, ओड था, तो इसलिए इसका स्क्वायर भी ओड होगा। बात क्लियर हो गई। हम देखेंगे सेकंड वाले का जो यूनिट डिजिट था 6 था, 6 का स्क्वायर करा कितना आया, 36, और 36 का यूनिट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, 6 है, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो नंबर जो है इवन नंबर होगा, तो इसलिए नॉट अ ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 7779 था, तो इसका 9 का स्क्वायर करा 81 आया, और 81 का जो यूनिट डिजिट है वो ऑड है, ऑड है, तो इसलिए इस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो ओड नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 4 है यूनिट डिजिट, 4 × 4 = 16 होता है, और 16 का यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका इवन, इस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो इवन नंबर होगा, नॉट अ ओड नंबर। क्लियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर फोर देखें, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। आपको ये पैटर्न जो है क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और फिर जो डिजिट मिसिंग है उन्हें फाइंड करना है। तो आप देखेंगे 11 स्क्वायर है तो इसका देखें 1 to 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 101 का स्क्वायर देखेंगे तो आपने देखा 10201, यहाँ पर क्या था 1 to 1 था और 11 का स्क्वायर था, यहाँ 101 का स्क्वायर है तो 10201, ठीक है। और इसके बाद क्या हो 1001 का स्क्वायर है, 1001 का स्क्वायर है तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 के साइड में और इस साइड में क्या है 220, जितने जीरो यहाँ पर उतने ही जीरो यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा इस पैटर्न को आप देखें, यहाँ 10 था तो यहाँ पर 110 आ गया, यहाँ 20 थे तो 2 के साइड में 220 आ गए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कितने जीरो 1 2 3 4, तो इस 2 के 4 4 0 आएंगे, 1 2 3 4, इधर भी क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 0 हैं। सिंपली आप क्या करेंगे 1 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लिखेंगे आप, फिर है 1 2 3 4 5 6, 6, ठीक है। और ये आ गया। अब इसको इसी पैटर्न को देखते हुए हमें ये फिल करना है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ, आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो हमने एक्स्ट्रा बनाया था ये एक्स्ट्रा नहीं था, बस यहीं तक था बुक के अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। आपको इस पैटर्न को स्टडी करना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है और ये जो आपके जो मिसिंग नंबर्स हैं इन्हें सप्लाई करना, मतलब इन्हें आपको लिखना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब सपोज करिए दिया गया है 11 स्क्वायर तो क्या आप देखेंगे 1 to 1, क्लियर। अब इसके बाद दिया गया आपको, तो देखा आपने 11 का स्क्वायर तो 1 to 1, नेक्स्ट है 101 का स्क्वायर क्या है 10201, नेक्स्ट दिया है 10101 का होल स्क्वायर, मतलब 10101 का होल स्क्वायर कितना होगा 10203021। तो अब यहाँ पर क्या होगा 31 हो गया तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है 10101, मतलब कितने वन है यहाँ पर 1 2 3 4 वंस हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आप देखें गौर से, सेम इसी तरीके से लिखें 10203 0। अब यहाँ पर 3 तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 4 0, अब यहाँ 3 आ गया 30201, ठीक है। अभी इसी तरीके से यहाँ पर क्या है 10203 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। अब यहाँ पर क्या था कितने वन थे 1 2 3 4, ऊपर कितने 1 2 3 1 2, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर यह है कितने वन आएंगे यहाँ पर 5 वन आएंगे, ठीक है। तो 10 10 10, ठीक है 10 1 2 3 4 और ये 5 का होल स्क्वायर जो होगा, ठीक है। यहाँ पर कितने थे 10 10 10, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, क्लियर। तो ये पैटर्न सिर्फ पैटर्न के ऑब्जर्व करना है और जैसे जो मिसिंग नंबर है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको फिल करने हैं, फाइंड करने हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आप गौर से देखिए यहाँ पर इस पैटर्न को आपको स्टडी करना है और जानना है किस तरीके से जो मिसिंग नंबर्स हैं आपको इन्हें फिल करना है। तो आप यहाँ देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3, तो यहाँ पर देखेंगे गौर से 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो यहाँ आपने देखा 2 3 6 6 का स्क्वायर, 3 4 12 12 का स्क्वायर, 4 5 20 20 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके जो इज इक्वल टू में था ये जो नंबर है उसका एक ज़्यादा जो है उसका स्क्वायर है। अब हर जगह देखिएगा 2 3 6 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ठीक है। 3 4 12 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 4 5 20 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर 30 किसमें 5 6 30 कितना आ जाएगा 5 6 30, 5 6 30, ठीक है। 30 का स्क्वायर 31 स्क्वायर, यहाँ पर क्या 6 5 6 7 42
टू, यहाँ पर क्या आएगा 42 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 बढ़कर 43 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ। पैटर्न वाले क्वेश्चन से बहुत इजी थे, आपको अच्छे से इस एक्सरसाइज के जो प्रैक्टिस करनी है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाते हैं 7, 8, 9, इसे आप खुद से करेंगे होमवर्क में मैथमेटिक्स नोटबुक के अंदर, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और ये जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वीडियो के अंदर, इन्हें अच्छे से आप प्रैक्टिस करके अपने मैथमेटिक्स नोटबुक के अंदर लिखेंगे, और जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह गए 7, 8, 9 से होमवर्क में आप करेंगे। थैंक यू।